नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हलवाई जैसे ही खस्ते और खाने में स्वादिष्ट। तो यहाँ पर हमने बनाया है आलू मटर के समोसा। रिजल्ट देख रहे हो दोस्तों, कितने खस्ते हैं और ऑयल थोड़ा भी नहीं रहेगा, तो इस बात की आपने ध्यान देना। तो कैसे बनाया जाता है, तो आपने क्या करना है, आखिरी तक रेसिपी देखनी, और रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर जल्दी जल्दी बना लेते हैं आलू मटर का समोसा। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा लेना है, और मैदा मैंने पहले ही छान कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मैदा डाल देना है पूरा ही। अभी यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी यहाँ पर जाएगा आधी चम्मच अजवाइन, क्योंकि अजवाइन की जो फ्लेवर होती है समोसे में बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो यहाँ पे अजवाइन को हमें क्रश करके ही डालना है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे खस्ता बनाने के लिए घी डालना है दोस्तों। अभी 1.5 कप यहाँ पे मैंने आटा लिया, तो यहाँ पे प्रॉपर हमें बराबर 3 चम्मच डालना है घी। ये वाला चम्मच मैंने यूज किया हुआ है, तो 3 चम्मच यहाँ पे डालना है। घी का डालने से क्या होता है, समोसा खस्तापन बहुत ही अच्छा आता है। ऑयल डालना नहीं, यदि आप ऑयल डालोगे ना दोस्तों, तो आपका जो समोसा ऑयली ऑयली बन जाएगा, फिर आप बोलोगे बहुत ही ऑयली, फिर ज़्यादा ऑयली खाने में मज़ा भी नहीं आता है समोसे में। तो अभी इन सारी सामग्री को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आटे को हमने घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट अच्छी तरह से लड्डू बन जाते हैं ना दोस्तों, तो इससे ही समझ में आता है कि समोसा बहुत ही खस्ता बनता है खाने में। देख रहे हो, एक बार हल्के हाथों से मैंने किया, एकदम हल्के हाथों से इसी तरह से। और अभी यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के इसका टाइट सा डो बनाना है, तो इसका टाइट सा डो बना लेते हम। अभी यहाँ पर हमने टाइट सा डो बना लिया, आप देख सकते हो, और बाउल भी हमारे कितना क्लीन हो चुका है। इसी तरह से एकदम टाइट सा डो चाहिए। अभी इसे हमें 10 मिनट के लिए सेट होने को छोड़ देते, तब तक हम स्टफिंग बना देते हैं। अभी यहाँ पर कुटन लेनी है दोस्तों, और अभी मसाला रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने लेना है 4 हरी मिर्च। हाँ दोस्तों, यदि समोसा आपको तीखा खाना पसंद हो तो आप मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हो, ये तो परफेक्ट है। अभी यहाँ पर हमने लेना है 5 या 6 लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पर जाएगा 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने छोटे छोटे कट कर लिए 2 में। अभी यहाँ पर डाल के 30 या 40 कड़ी पत्ता डाल देने मीठे वाले। अभी इसे हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे हमने मिक्सर पे कूटना नहीं, इसमें ही कूटना है, जो इसकी जो टेस्ट होती है समोसे में मसाले की बहुत ही बढ़िया लगती। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसालों को कूट लिया, एकदम दरदरा, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अभी यहाँ पे पैन, हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है पैन के अंदर। और हाँ दोस्तों, स्टफिंग करते समय ऑयल का बहुत कम यूज करना है, क्योंकि हम लोग स्टफिंग रेडी कर ले, तो 1 ही चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो चुका है, 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। इसी के साथ हमने डालना है 1/2 चम्मच जीरा। इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है 1 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी रखनी है। अभी जीरा यहाँ पे अच्छी तरह से सॉटे हो चुका है। अभी यहाँ पर हम डालना है पिसा हुआ मसाला, इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है। मसाला कच्चा नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है, तो इसीलिए मसाले को भी अच्छी तरह से कुक कर लेना है। अभी यहाँ पर जो मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, जो मसाले में जो कच्चापन वो सब निकल गया है। अभी यहाँ पे हमने बाकी के मसाले डालना है, जिससे समोसे में टेस्ट आएगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली थी, सब इसका मैंने कलर के लिए यूज किया है समोसे में। तो यहाँ पर हमने डालना है 1/2 चम्मच धना पाउडर, इसी के साथ डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी के साथ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी सामग्री को चला लेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो बाकी के मसाले डाले वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाने चाहिए। अभी यहाँ पे मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 कप हमने मटर लेना है, यहाँ पे मैंने पहले इसे बॉईल कर लिया है दोस्तों मटर को, क्योंकि पहले बॉईल करना है फिर अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। इसमें डाल देते तो कुक नहीं होते मटर बराबर, जैसे जैसे वैसे रिजल्ट आता ही नहीं। जो हलवाई लोग जो बनाते हैं वो पहले मटर को अच्छी तरह से बॉईल कर लेते, बाद में मसाले के अंदर डालते। अभी इसे 2 मिनट के लिए चला लेते हैं। अभी यहाँ पे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने कुक कर लिया, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे 2 आलू लेने उबले हुए, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है दोस्तों। अभी इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सारे मसाले अच्छी तरह से घुल जाने चाहिए। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, देख सकते हो आप इस तरह से। अभी यहाँ पे हल्का सा धनिया डाल देते हैं, धनिया की जो फ्लेवर होती है समोसे में बहुत ही बढ़िया लगता है, और धनिया तो खाना भी चाहिए, है ना। अभी इसे 2 मिनट के लिए चला लेते, गैस बंद कर देते, और स्टफिंग को पूरी तरीके से ठंडा होने को छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हल्का सा घी ले लेते इस तरह के, और बैटर डो को हमें अच्छी तरह से चिकना कर लेना है, मसल मसल के, देख रहे हो
अच्छी तरह से सेट हो जाता है दोस्तों, तो फिर हमारा जो समोसा अच्छा बनता है खाने में। या यदि आप जल्दी जल्दी करोगे तो फिर बनाएगा नहीं बराबर। हाँ बोले गीता ने बताया नहीं। तो अच्छी तरह से डो को मसल लेते हैं। अब यहाँ पे डो को अच्छी तरह से हमने मसल लिया, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट लंबा रोल मैंने कर लिया हुआ है। अभी इसे छोटे छोटे पेड़े कर लेती हूँ, दो दो इंच जितने, देख रहे हो। यहाँ पे मैंने चार पेड़े बना लिए, अभी एक पेड़ा रख लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से और हाथों से मसले ले गए, यानी एकदम गोल जैसी लोई बना लेते हैं चिकनी। अब यहाँ पे चिकनी लोई बना ली एकदम गोल पेड़े के जैसे, देख रहे हो। अभी यहाँ पे हमने सूखा डो वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ इसको ऐसे ही बेलते जाना है, देख रहे हो, बिना आटे के, यानी सूखा आटा लगाना नहीं है हमें। सूखा आटा लगा लोगे फिर जो समोसा हमारा कड़क बनेगा, उसकी जो ऊपर की कोटिंग होती है ना, कड़क बन जाती है। तो यहाँ पर ऐसे हमें इसे रोटी के जैसे बेलना है, पतली नहीं बेलना है, मीडियम बेलना है, ज़्यादा पतली भी नहीं हो, ज़्यादा मोटी भी, तो बेल लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से रोटी के जैसे बेल लिया, और थोड़ा हल्का सा लंबा जैसे बेलना है हमें, क्योंकि हम लोग समोसा बनाएंगे, एक का दो समोसा बनाएंगे। और साइड देख रहे हो इस तरह से हमें साइड चाहिए परफेक्ट। अभी इसे हमें बीच में से इसे कट कर लेना है, यदि नहीं तो इसे कर लेना इस तरह से, देख रहे हो। और यहाँ पे इसे बीच में से हमें चक्कू के सहायता से कट कर लेते हैं, इस तरह से मैंने कट लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक साइज ले लेते हैं इस तरह से। और जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा की कमेंट आती है कि हमें समोसा नहीं आता है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है दोस्तों, देख रहे हो। यहाँ पे जहाँ पे हमने कट किया था, हल्का सा यहाँ पे पानी लगा लेना है इस तरह से थोड़ा ही, और इसे हमें ऐसे चिपका लेना है, और देख रहे हो इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से चिपकाना है। अभी यह इजीली चिपक जाता है। अभी यहाँ पे हमने स्टफिंग ले लेनी है, अभी इसके अंदर हम लोग स्टफिंग भर लेना है। वाव, हाँ दोस्तों, आज का ये रेसिपी आपको कैसी लगती तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसमें थोड़ी स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा ही बनना है, कम नहीं बनना है तो भी खाने में मज़ा नहीं आती, फिर पापड़ी पापड़ी लगती जो मैदे की, आलू की सब्जी लगती ही नहीं। अभी हल्का ऊपर से पानी लगा लेते हैं इस तरह से, देख रहे हो। अभी इसके साइड में, इसके साइड में हल्की सी यहाँ पे प्लेट लेनी है, देखो मैं बता रही हूँ इस तरह से, और इस तरह से कर लेना है, और इसे पहले इसे दबा लेना है इस तरह से। कभी भी हमारे घर में छोटे मोटे फंक्शन होते हैं दोस्तों, तो क्यों ना भी एकदम सिंपल तरीके से बनाया जाएगा ये। अभी इसे हल्के से जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे हल्के से हमें इसे दबाना, फ्राई करेंगे तो हमारी स्टफिंग निकले ना, और इसी ये दो हाथों से हमें इसको ऐसे दबाना है, देख रहे हो एकदम परफेक्ट बन गया हमारा ये हलवाई जैसे समोसा, है ना। तो क्यों ना बाकी के सारे समोसे सेम टू सेम ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सारे समोसे बना लिए, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट। अभी ऑयल गरम हो चुका है, अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ऑयल मैंने गरम कर लिया है। हाँ दोस्तों, समोसा फ्राई करते समय एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे एकदम ज़्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए, नॉर्मल वाला ऑयल चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, देख रहे हो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने एक एक समोसा डालते जाना है इस तरह से, और गैस की फ्लेम धीमी आंच पे ही ऐसे फ्राई करनी है, फास्ट गैस नहीं करनी है, नहीं तो फिर समोसा बाहर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगी खाने में। तो धीमी आंच पे ही अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं समोसे डाल देती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने 5 समोसे डाले दोस्तों, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी। अभी इसे तुरंत टच करना नहीं, अपने आप ऊपर आने के बाद ही इसे टच करके पलटी करना है। अभी यहाँ पे हमें 2 मिनट लगे दोस्तों, देख रहे हो धीरे करके ऊपर आ गए, यानी ऊपर आ गए तो समझ में आता कि समोसा बहुत ही हल्का और खस्ता बन गया है। अभी इसे उलट पुलट करते रहना है, जब तक इसको फ्राई करना, जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, और धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। यहाँ पे हमने 10 या 12 मिनट लगते, ज़्यादा नहीं, अच्छी तरह से इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो अच्छी तरह से इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कलर कितना चेंज हो गया है, गोल्डन एकदम एक जैसे ही कलर आ गया है। मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख लो ऑयल थोड़ा भी रहेगा नहीं तो उसे, इस बात की मैं आपको गारंटी दूंगी, एकदम जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा इसका कलर चढ़ता है दोस्तों, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। ऑयल थोड़ा भी नहीं है, जैसे मैंने ऑयल में से निकाला ऑयल थोड़ा भी नहीं है। तो क्यों ना फिर बाकी के सारे समोसे में से फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया हमने एकदम आसानी तरीके से हलवा स्टाइल समोसा आलू मटर के, रिजल्ट आपके सामने। मैं आपको लेके बता देती हूँ, यहाँ पे टिश्यू पेपर से मैं घिसके बताती हूँ, ऑयल थोड़ा भी नहीं है, एकदम थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा भी यानी थोड़ा भी नहीं है। तो हाँ दोस्तों, अभी तोड़ के भी बताएगी इसका जो खस्तापन कितना बढ़िया है, मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। एकदम इजीली टूट रहा है, एकदम इजीली हल्के हाथों से मैंने तोड़ा है दोस्तों, एकदम हल्के हाथों से, देख रहे हो। इसकी जो मैदे की जो प्लर होती है, देखो एकदम कितनी खस्ती बन गई है इसी तरह से, वाव।
और एक बार तोड़ के बता देते हैं, यानी अंदाजा आ ही जाएगा, एकदम इजीली टूट रहा है इजीली। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।